नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए भर्ती के साथ बम्पर भर्ती के साथ जो कि निकाला गया है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से बिहार सरकार ने निकाला हुआ है वैकेंसी दोस्तों और वैकेंसियाँ किस पर निकाली गई हैं किस के लिए कितनी पोस्टें हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे ऐसे ही नए नए अपडेट के साथ हम पर डे हाजिर हों और आप तक तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले इसके लिए आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें चलिए फटाफट करके हम दोस्तों जानते हैं कि किसके लिए वैकेंसी निकाली गई हैं किस पोस्ट पर और एलिजिबिलिटी क्या है कितने पोस्टें हैं दोस्तों अगर बात करें हम तो ऑल ओवर यहाँ पर छियालीस सौ अड़तीस पोस्टें यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल ओवर छियालीस सौ अड़तीस पोस्टें हैं यहाँ पर देखिए आप छियालीस सौ अड़तीस पोस्टें आल ओवर हैं और दोस्तों ये वैकेंसियाँ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाला गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर और इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों तो अलग अलग सब्जेक्टों में निकाला गया है अलग अलग वैकेंसियाँ हैं ये अलग अलग सब्जेक्टों में निकाला गया है तो यहाँ पर दोस्तों बावन सब्जेक्ट को सब्जेक्टों के लिए बावन सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाले गए हैं तो कौन कौन सब्जेक्ट हैं वो जिनमें स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में अभी चर्चा बाद में करेंगे पहले हम देख लें कि किस कि सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों रूरल इकोनॉमिक्स की आठ पोस्टें हैं फिजिक्स की तीन पोस्टें हैं केमिस्ट्री की तीन सौ बत्तीस बॉटनी की तीन सौ तैंतीस मैथमेटिक्स की दो सौ इकसठ जुलॉजी की दो सौ पचासी म्यूजिक की तेईस बांग्ला की अट्ठाईस इन्वायरमेंटल साइंस की यहाँ पर एक सौ चार पोस्टें हैं उसके बाद दोस्तों बात करें अगर कामर्स की तो एक सौ बारह पोस्टें हैं उसके बाद साहित्य की इकतीस व्याकरण छत्तीस ज्योतिष सत्रह कर्मकांड पाँच धर्मशास्त्र नौ पुराण तीन दर्शन नौ उसके बाद बात करें हम तो अंबेडकर थाट की चार सीटें हैं फिर उसके बाद बात करें दोस्तों हम अगले जो सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी की पांच सीटें हैं जियोलॉजी की पांच, गांधीयन थाट की दो ला की पंद्रह अंगिका की चार स्टाइटिस्टिक्स की अगर बात करें दोस्तों तो स्टैटिस्टिक्स की सत्रह सीटें हैं एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन की दस सीटें हैं बायोकेमिस्ट्री की पाँच सीटें हैं यहाँ पर देखिए बायो केमिस्ट्री की पाँच सीटें हैं उसके बाद रूरल स्टडी की एक सीटें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बारह सीटें हैं पाली की बाईस सीटें हैं प्राकृत की दस सीटें हैं नेपाली की एक रशियन की चार और उसके बाद भोजपुरी की दो और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की दो इतनी सीटें इधर हो गई आगे बात करें अगर अगले सब्जेक्ट की तो अगले सब्जेक्ट में दोस्तों यहाँ पर आपका आता है अगला नंबर अरेबिक का तो अरेबिक में दोस्तों यहाँ पर दो पोस्टें हैं इंग्लिश में दो सौ तिरपन पोस्टें हैं उर्दू में हंड्रेड परसियन में चौदह मैथिली में तिरालीस संस्कृत में छिहत्तर पोस्टें हैं हिंदी में दो सौ बानवे पोस्टें हैं हिस्ट्री में तीन सौ सोलह पोस्टें हैं एशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी की पचपन सीटें हैं उसके बाद होम साइंस की बात करें दोस्तों तो होम साइंस में यहाँ पर तिरा, तिरा, तिरासी सीटें हैं उसके बाद बात करें दोस्तों पर्सनल मैनेजमेंट की तो 18 सीटें हैं जियोग्राफी की 142 सीटें हैं पॉलिटिकल साइंस की 280 सीटें हैं उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर दो सीटें हैं फिलासफी की एक सीटें हैं साइकोलॉजी की चार सौ चौबीस सीटें हैं सोशियोलॉजी अगर बात करें तो यहाँ पर एक सौ आठ सीटें हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बारह सीटें हैं तो ये था दोस्तों सीटों का ब्यौरा कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं अब अगर बात करें दोस्तों हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी दोस्तों मांगी गई है आपकी एम आप एम रिलेटेड सब्जेक्ट से आप एम किए हुए हैं आप मास्टर डिग्री लिए हुए हैं अगर रिलेटेड सब्जेक्ट में प्लस प्लस में आपको नेट क्वालिफाई होना आवश्यक है आप नेट क्वालिफाई हैं और आप एम किए हुए हैं लेटेड सब्जेक्ट में मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए आप इकोनॉमिक्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स से आप एम एस सी किए हुए हों मास्टर डिग्री रखे हों प्लस में आप इकोनॉमिक्स से नेट क्वालिफाई हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद अगर बात करें दोस्तों इसके लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट की कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों जो डेट ऑफ स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन का है देखिए तेईस नौ तेईस सितंबर से, से आप फार्म रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट डेट है फार्म अप्लीकेशन का वो दो ग्यारह तक है दो ग्यारह तक आपका फार्म अप्लीकेशन है दो नवंबर तक लास्ट डेट है इसका तो आप तब तक जो है फार्म को अप्ली आ, अप्लाई कर दीजिए आप लास्ट डेट का वेट ना कीजिए अगर आप लोग एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप अवश्य अप्लाई कीजिए सुनहरा चांस दोस्तों इतनी वैकेंसियाँ बहुत कम ही निकलती हैं स्टेट यूनिवर्सिटी ने बिहार ने इतनी अगर इतनी वैकेंसियाँ निकाली हुई है तो आप इसमें अवश्य अप्लाई करें दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए आज के लिए इतना रखते हैं तो उसके लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत